Fractions. This is a whole pizza. Divide the pizza into two equal parts. Each part is one half of the pizza. If we divide the pizza into three equal parts, each part will be one third of the pizza. If we divide the pizza into four equal parts, each part will be one fourth of the pizza. When an object or a group of things is divided into equal parts, then each part is a fraction of the whole. A fraction is a part of a whole. Here, the whole object is one. When the whole object is one, it is called region. When there is a group of objects, it is called a collection. The basket of mangoes is a collection. If there are 20 mangoes in this basket and we take 4 mangoes, we have taken 4 mangoes of 20. Look at this figure. It is a circle that has been divided into 4 equal parts. 2 of the 4 parts are shaded. We write this as 2 upon 4. 2 is called the numerator. A numerator shows the number of equal parts which have been shaded.

वन बाय हाफ वन थर्ड तो ये क्या होता है तो वो चीज वही एक्सप्लेनेशन अब जैसे यहाँ आपको दिख रहा है तो सर्कल कितना है सर्कल में कितने पार्ट है वन टू थ्री फोर मतलब टोटल पार्ट कितने फोर उसमें से कलर्ड कितना है वन तो हमने लिख दिया वन तो ये होती है फ्रैक्शन जैसे ये दी रही फ्रैक्शन तो आप जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे जो होता है उसे बोला जाता है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर क्या शो करता है हमारा जो भी चीज रहता है उसका होल पार्ट ठीक है और जो हमारा न्यूमरेटर रहता है वो चीज़ क्या शो करता है हमारा कि उस पार्ट में से हमने कौन सी चीज यूज किया अब जैसे मान लो हमारे पास चॉकलेट है ठीक है उसमें फोर पीस होते हैं तो अब अगर तो टोटल डिनोमिनेटर जो क्या शो करेगा टोटल पार्ट और फिर उसमें से आपने जितने खा लिए जैसे मान लो वन टू ये टू खा लिया तो बह क्या आ जाएगा टू ठीक है तो ऐसे हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट वन पर राइट द फ्रैक्शन फ्रॉम द कलर्ड पार्ट आपको क्या करना है फ्रैक्शन लिखना है कलर्ड पार्ट की द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू और फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है ठीक है अब जैसे कि उसमें पहले आप काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो क्या आ जाएगा एट अब इसमें से कलर कितने वन टू थ्री तो हम लिख देंगे थ्री वैसे ही जैसे अब यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट और कलर कितने थ्री तो यहाँ लिख देंगे थ्री ठीक है ऐसे आपको ये सारे रिमेनिंग करना है अब जैसे यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ कितना है वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ लिखेंगे फाइव अब कॉलम कितना है वन तो यहाँ लिख देंगे वन ठीक है ये ऐसे ही आपको सारे रिमेनिंग करना है जो रेड और ये ब्राइट कलर अब सेकेंड टिक द शेप्स विच रिप्रेजेंट वन बाई टू अब आपको कौन सा शो टिक करना है जिसपे आपको क्या शो करे वन बाई टू अब जैसे अब पहले ये कितना है वन टू तो यहाँ नीचे तो टू आ गई ठीक है मतलब ये और कलर कितना है वन मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे आपको ये ये अब इसमें देखिए यहाँ क्या है वन टू टू पार्ट और वन कलर है तो ये भी वन बाई टू शो कर रहा है ये भी वन टू टू पार्ट और वन कलर है तो ये भी वन बाई टू शो कर रहा है अब यहाँ जैसे वन टू थ्री फोर फोर है और ऊपर कितना कलर है वन तो ये वन बाई फोर शो कर रहा है तो इसको हम टिक नहीं करेंगे अब टिक द शेप विच रिप्रेजेंट वन बाय ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे कि यहाँ पर आपको कौन से पे टिक करना है जो रिप्रेजेंट वन बाय थ्री कर, तो कर रहा है और देखो दिस इज जैसे इसका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट एट और है है तो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा क्या नहीं तो इस पे कलर इस पे टिक नहीं लगेगा फिर शेड वन बाय टू इन रेड एंड वन बाई थ्री इन ग्रीन ऑफ द फॉलोइंग फिगर आपको क्या करना है कि इसके दो पार्ट है ठीक है उसको रेड कलर करना है और जो जिसके थ्री पार्ट है उसको ग्रीन तो जैसे इसमें वन टू ठीक है ये रहा टू अब टू में से हमको कलर कितना करना है वन वो भी किस कलर में रेड कलर में तो कौन सा कलर करना है हमारा रेड तो हम वन पोर्शन को रेड कलर कर देंगे वैसे अब जो ये है इसको कौन सा कलर करना है जो थ्री पार्ट में वो ग्रीन तो देखो यहाँ कितना है वन वन टू और थ्री है थ्री दिख रहा है तो अब थ्री में से हमको कलर कितना करना है वन पोर्शन को यहाँ पर दिख रहा है ना थ्री के ऊपर कितना है वन तो वन पोर्शन को कलर करना है वो भी ग्रीन में तो कोई से भी वन पोर्शन को ग्रीन में कलर कर सकते हैं ठीक है ऐसे रिमेनिंग दो आप लोग कर लेंगे फिर टिक रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन बाय फोर आपको अब आप ये शो करना है जो वन बाय फोर पार्ट बता रहे अब जैसे टू थ्री फोर ये फोर है और ऊपर कलर कितना है वन तो मतलब ये अब यहाँ क्या वन और टू या टू पार्ट है और कलर कितना है वन तो मतलब ये नहीं होगा तो ऐसे आप लोग सारे देख लेंगे राइट डिनोमिनेटर फॉर द कलर पोर्शन आपको क्या करना है लिखना है और फिर क्या कलर फ्रैक्शन भी बतानी है ठीक है तो अब फ्रैक्शन कैसे बनेगी हमारी वन टू थ्री डिनोमिनेटर में क्या आता है टोटल पोर्शन तो नीचे लिखेंगे थ्री उसमें से कलर कितनी है टू तो आपको पता है डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा थ्री और न्यूमिनेटर होता है

मतलब इसका वन बाई एट कितना होगा फोर वैसे थ्री वाला भी आप देखेंगे थ्री के डबल में ट्वेल्व कितने की पेयर बनेगी रिमेनिंग आप लोग कर लेंगे अब टू मैच क्या करना है मैच द फॉलोइंग जैसे सॉल्व किया था तो अब यहाँ पर क्या है हमारा है थ्री तो अगर हम थ्री रहेगा थ्री तो थ्री के डबल में ट्वेल्व कितने टाइम में आता है फोर टाइम में मतलब हमारे फोर सर्कल कितने होंगे फोर और टोटल कितने होने चाहिए ट्वेल्व तो आप पहले काउंट करो यहाँ कितने वन टू थ्री फोर फोर का ये भी है वन टू थ्री फोर फाइव मतलब ये नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री तो यहाँ सर्कल कितने पे होगा फोर पे तो यहाँ पर ये वाला तो फर्स्ट का आंसर ये वाला है फिर फिफ्टीन फाइव का टाइम ट्वेंटी फाइव कितने टाइम में आता है फाइव टाइम में ठीक है तो फाइव फाइव पे सर्कल वाला कौन सा था ये वाला जिस माइनस वाला तो ये हमारा बी वाला ऐसे ही थ्री के टेबल में एटीन और सेवन के टेबल में ट्वेंटी वन ये दोनों आप करेंगे अब फिर इन द ब्लैंक्स अब फिर इन द ब्लैंक्स करना है द नंबर्स ऑफ हैलूनस इन द कलेक्शन इज नंबर ऑफ बलून कितना है इस कलेक्शन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेवन ट्वें क्या जाएगा ट्वेल्व फिर द नंबर ऑफ ग्रीन बलून इज अब नंबर ऑफ ग्रीन बलून कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ जाएगा सिक्स अब द फ्रैक्शन ऑफ फॉर द ग्रीन बलून्स इज़ अब ग्रीन बलून की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी तो टोटल बलून्स कितने हैं हमारे ट्वेल्व उसमें से ग्रीन बलून्स कितने हैं सिक्स तो ये हमारा हो जाएगा ग्रीन बलून की फ्रैक्शन फिर द फ्रैक्शन ऑफ द वालेट बलून वॉलेट बलून कितने हैं वन टू थ्री तो यहाँ थ्री आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आता है टोटल नंबर ऑफ बलून्स ठीक है अब इसके बाद आती है हमारी क्या होता है हम कुछ डेफिनेशन सीखेंगे ये लाइक फ्रैक्शन तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती है द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे जैसे यहाँ सेवन है यहाँ भी सेवन है यहाँ भी फ्रैक्श सेवन है तो इन तीनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी लाइक फ्रैक्शन देन ठीक है अब जैसे यहाँ एट 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 अब ऊपर से हमको न्यूमिनेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा क्या मेन होता है डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो होगी लाइक फ्रैक्शन वैसे उसके अपोजिट आती है अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे हमारे डिफरेंट हो जाएंगे जैसे तो आप यहाँ देख रहे हैं फोर फाइव सेवन फिफ्टी ट्वेंट ट्वेंटी थ्री तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी अनलाइक फ्रैक्शन ठीक है आया समझ में फिर होती है प्रॉपर एंड इम प्रॉपर फ्रैक्शन अब प्रॉपर और इमप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी और दो फ्रैक्शन इन द दिमनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर मतलब क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा अब आपको पता है डिनोमिनेटर और ये न्यमरेटर है तो ठीक है हमारा न्यूमिनेटर क्या है इलेवन और डिनोमिनेटर ट्वेल्व मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन ये होती है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है बड़ा होता है ठीक है और इम प्रॉपर फ्रैक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी कि जिसमें क्या होगा हमारा इम प्रॉपर फ्रक्शन में इम प्रॉपर फैक्शन में हमारा जो निमरेटर है वो बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर

ये भी सेम और ये सेम नहीं है क्लासीफाई दिन मिक्स फ्रैक्शन आपको क्या करना है यहाँ पर फ्रैक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या करना है आपको शो करना है कौन कौन सी फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन और रह गई है एक फ्रैक्शन क्या होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है जैसे ये जो ऐसे शो होती है ठीक है हमारी जैसे नॉर्मली फ्रैक्शन ऐसे होती है और एक मिक्स uh, फ्रैक्शन इस तरीके से हो जाती है ठीक है ये होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन तो आपको यहाँ पर क्या करना है और और तो तो क्या 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 होती होती है 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 जिसका जिसका से बड़ा बड़ा हो छोटा आपको आपको अब करना ऐसे आप एक बॉक्स बना लेंगे ठीक है और थ्री पार्ट में ठीक है यहाँ लिखेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और यहाँ मिक्स फ्रैक्शन ठीक है अब यहाँ लिख देंगे आप उसके बाद आपको यहाँ पर जो जो है क्लासीफाई करना टू तो यहाँ का क्या है डिनोमिनेटर क्या है बड़ा तो मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन थी है? हमारी प्रॉपर फ्रक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन और ये मिक्स फ्रैक्शन हमारा क्या था तो ये किस में आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में अब यहाँ तो से बड़ा चोटा है कि छोटा है छोटा है मतलब ये कौन सी हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी इम प्रॉपर फ्रैक्शन देन उसके बाद सेवन ये वाला तो ये वाली हमारी कौन सी फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन ठीक है ऐसे आपको सारी रिमेनिंग अलग अलग एक के नीचे एक यहाँ पर लिखना है अब सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन अब आपको क्या करना है यहाँ पर टू पॉइंट फोर एक्सरसाइज में यूनिट फ्रैक्शन को क्या करना है सर्कल करना है अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है बेटा यूनिट फ्रैक्शन जिसके ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर रहता है वो वन होता है तो वो यूनिट फ्रैक्शन तो वन येरा ये ये और येरा ये सब हमारी क्या हो जाएगी यूनिट फ्रैक्शन ठीक है